हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें MME2 कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी MME2। ये जो MME2 का जो कोर्स है, ये हमारा फ्रॉम द सेशन 2019-2020, इस सेशन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, उनके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो ये न्यू सिलेबस है आपके कोर्स का, MME2 का। देखो, इस कोर्स में है क्या क्या, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन, चैप्टर 10 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ोगे, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। एरिया का तो क्वेश्चन करना ही है, साथ ही साथ मान लो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्जिनल प्रॉफिट दिया हुआ, तो इन सब से कॉस्ट फंक्शन निकालना, रेवेन्यू फंक्शन निकालना, प्रॉफिट फंक्शन निकालना, ये सारा कुछ हम इंटीग्रेशन में करना है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा टफ होता जाएगा आपके लिए, लेवल्स टफ होते जाएंगे, क्योंकि अब जो है आपने जितना भी MME1 में पढ़ा है सिंगल वेरिएबल के लिए, अब आपको दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए सारी बातें पढ़नी होंगी, तो इनके लिए यूज़ होने लगता है पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस इज चैप्टर 15, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज टूल्स फॉर कंपेरेटिव स्टडी, जिसको कि हम लोग जो है इसी में मानते हैं, किस में, इसी में मानते हैं, चैप्टर 15 के साथ कंबाइन होके ये एग्जाम में आता है 25 मार्क्स का। इस बार से नया मार्किंग स्कीम लगेगा, तो 25 मार्क्स में ये दोनों चैप्टर होंगे। नेक्स्ट है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैक्सिमा मिनिमा निकालना। जब कोई एक चीज़ एक से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मेनी फैक्टर्स पे, तो उस केस में कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। और ये है जब हमें कुछ लिमिटेशंस दे दिया जाएगा कि आप इतना ही रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, आपका टोटल कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपका रेवेन्यू इससे कम होना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए, वो कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो सब कवर अप होगा आपका कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों मिलाकर के 25 मार्क्स के। उसके बाद से ये एक नया चैप्टर इस बार ऐड हुआ है जो पहले नहीं होता था, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए है, आपसे पहले बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। डिफरेंस इक्वेशन चैप्टर 20, लीनियर प्रोग्रामिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और इंक्लूडिंग चैप्टर 10, ये सारे मिलाकर के होंगे 25 मार्क्स के, इंक्लूडिंग चैप्टर 10 ऑफ 25 मार्क्स। तो अब आप समझ गए कि आपको पूरे कोर्स को तीन सेक्शन में डिवाइड करना है। एक चीज़ और, जब आप चैप्टर 15 पढ़ोगे तो ही आप चैप्टर 16 पढ़ सकते हो, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, ये चारों चैप्टर लिंक में है, तो फिर चैप्टर 17 और 18 आप पढ़ सकते हो, ये चारों एक साथ पढ़े जाएंगे। उसके बाद से चैप्टर 19 इंडिपेंडेंट, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। चैप्टर 20 इंडिपेंडेंट, जब मर्जी तब आप शुरू करके पढ़ सकते हो। चैप्टर 21 इज इंडिपेंडेंट एंड चैप्टर 10 इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये सारे जो है ना छोटे छोटे चैप्टर्स, ये चारों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो इनको आप कभी भी शुरू कर सकते हो, इसके लिए कोई भी चैप्टर से लिंक नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स और मार्किंग स्कीम। आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 15 की शुरुआत करेंगे, 15, 16, 17, 18, ये चारों सीक्वेंस में चलेगा। उसके बाद से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो, पहले 10 पढ़ना चाहो और 19 पढ़ना चाहो, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। ये था हमारा सिलेबस। सिलेबस के बाद कि वाई टू स्टडी MME, आखिर जब हमने इको ऑनर्स चूज किया है तो हमें MME2 पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो MME2 जो है ना, आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस को इजी बना देगा। आप आगे चल के माइक्रो पढ़ोगे थर्ड सेम में, माइक्रो में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो हमने MME में, MME2 में पढ़ा था, वही सारी बातें वहां भी मिलेंगी।
तो MME2, MME का फुल फॉर्म ही है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी ये आपका इकोनॉमिक्स के रास्ते को आसान बना देगा, जितने भी रास्ते में अटकलें आने वाली है सबको ये आसानी से हटा देगा। तो जिनको MME आता है अच्छे से, उनको माइक्रो पढ़ने में या समझने में या डेरिवेशंस करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, और जिनको MME नहीं आता है फिर उनको आगे चल के स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये हमें पढ़ना है MME2 किसके लिए बताओ, टू मेक इको इजी, टू मेक इको ऑनर्स इजी। सारे डेरिवेशंस वगैरह, सारे रिलेशनशिप जो हम लोग डिराइव करते हैं या जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करते हैं न्यूमेरिकल, सब में MME का काफ़ी बड़ा रोल है। उसके बाद से हम लोग आपको स्टडी मटेरियल में देंगे क्या क्या, तो स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा यहाँ से एक थ्योरेटिकल सपोर्ट मिलेगा, थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे, जिनको प्रिंटेड कॉपी चाहिए वो आकर के सेंटर से भी ले सकते हैं। थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे जो मेरे ही हैंडराइटिंग में लिखा होगा, जिन बच्चों ने MME 1 लिया उन्हें पता ही होगा, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी है ये। थ्योरेटिकल नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में भी इस बार शुरुआत से मिलेगा, आपको वेट नहीं करना, और PDF फॉर्मेट में भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको प्रिंटेड कॉपी भी मिलेगी ताकि आपकी सारी थ्योरी कवर अप हो जाए। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट किस लिए होता है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो पूरा हेमंत नहीं कर सकते, उनके पास उतना टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं कुछ सेमेस्टर्स के वर्क वगैरह में, सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन किए होते हैं या कुछ अदर कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप असाइनमेंट मेरा कर लोगे तो डैट इज़ एनफ। असाइनमेंट में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो असाइनमेंट विथ सॉल्यूशंस, मैंने असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस चूज करके विथ सॉल्यूशंस से सॉल्व कर रखा है। असाइनमेंट के बाद आपको मिलेगा हेमंड एंड सिटसेटर के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन, हेमंड एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन जो मैंने ही अपनी हैंडराइटिंग में सारे सॉल्व कर रखे हैं, ये आपको मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज सैम्पल पेपर, इसके बगैर तो हमें पेपर में बैठना भी नहीं चाहिए। सैम्पल पेपर से भले ही एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन ये हमारा बेस जो है ना उसको काफ़ी स्ट्रांग कर देता है कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, हमने जो पढ़ा है उसमें से किस किस चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सैम्पल पेपर भी आपको करना है ताकि आप अपना अंदाज़ा लगा सको कि आपने पढ़ा क्या है और आप कितने पानी में हो। तो सैम्पल पेपर भी आपको यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा। तो ये चार चीज़ें आपको मिलेंगी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद से आप जो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी प्रोग्राम, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो आपको कुछ नहीं करना, फोन नंबर वगैरह सब डिस्प्ले है, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे, आपको सामने में दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर दो तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि हमारा कहाँ ऑफिस है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑफलाइन के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आप हमारा लेक्चर भी डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट, फ्रॉम वेबसाइट www.rightwayclasses.com, rightwayclasses.com, यहाँ से भी आप ले सकते हो। और YouTube पे तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, तो YouTube का लिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वेबसाइट से आप ये ले सकते हो लेक्चर, या फिर पेन ड्राइव मोड में भी आप अपनी क्लासेस ले जा सकते हो। पेन ड्राइव मोड में कई बच्चे कहते हैं कि नहीं घर पे जाके प्रॉब्लम होती, तो वो अपना पेन ड्राइव मोड में लेक्चर रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी मिलेगा यहाँ से। उसके बाद से वेबसाइट तो मैंने आपको बता दी, यूट्यूब चैनल पे तो आप हो ही, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे होगे। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको दे दिया जाता है, 9311377321, ये सर का नंबर है, और 9811377321 ये मेरा नंबर है। आप किसी भी नंबर पे मैसेज करके अपनी जानकारी ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा आप इस नंबर पे करो तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर कोई डाउट्स वगैरह पूछना हो या कोर्सेज कैसे पढ़ना हो, कोर्स रिलेटेड बातें हो, स्टडी रिलेटेड बातें हो, तो आप मुझे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि वाई ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज से कुछ साल पहले ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑनलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं सिर्फ एक कोर्स लेकर के नहीं पढ़ते, उनको काफ़ी सारे सोसाइटीज़ वगैरह भी ज्वाइन करने होते हैं। तो ऑनलाइन में क्या है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहो तो आप अपने कोर्स को हैंडल कर सकते हो। तो कोर्स हैंडल इजी, कोर्स हैंडलिंग जो है वो इजी है। आपको रात को मन करे आप रात को पढ़ सकते हो, छुट्टी वाले दिन मन करे उस दिन पढ़ सकते हो, घर पे जा रहे हो वीकेंड वेकेशन पे आप वहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आपको मन लगे तो आप एक बार में 3 घंटे पढ़ लो, मतलब टीचर आपके हाथों पे लेक्चर देता रहेगा, टीचर आपके इशारों पे लेक्चर देता रहेगा। उसके बाद से रिपीटेशन, रिपीट भी आप काफ़ी बार कोर्स कर सकते हो। मान लो एक बार पढ़ा, फिर थोड़े दिन बाद हमारा जो है वो यूनिट टेस्ट होना है या जो भी होना है, तो उस टाइम में फिर से आपको पढ़ने का मन किया तो टीचर के पास आओगे, तो टीचर हो सकता है टाइम आपको ना दे पाए, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आप उसको फिर बार 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 पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेशन कभी फास्ट कर लिया कभी स्लो कर लिया, जैसा मर्जी आप अपना कर सकते हो टाइमिंग बचाने के लिए। तीसरा है कि आने जाने का खर्चा भी बच जाता है और ईजी हो जाता है। तो ईजी फॉर डिस्टेंट स्टूडेंट्स, जो बच्चे दूर है, काफ़ी दूर के बच्चे चाहते हैं कि ट्यूशन ज्वाइन कर लें लेकिन वो नहीं कर पाते टाइम के अभाव में, क्योंकि कॉलेज 3-4 बजे छोड़ता है, घर जाते जाते रात हो जाती है, ट्यूशन कब पढ़ेंगे, तो वो लोग भी ऑनलाइन ले सकते हैं। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासरूम में आते हैं वो भी ऑनलाइन ले सकते हैं। क्लासरूम एक बार पढ़ लिया, अपने डाउट्स लगे हाँ तो मैम से पूछ भी लिया पढ़ते पढ़ते, ऑफलाइन का भी अपना है। ऑफलाइन तो नो डाउट कभी भी उसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं करता। ऑफलाइन में अगर आप मेरे सामने हो तुरंत का तुरंत डाउट सॉल्व हो गया, झंझट खत्म। ऑनलाइन में क्या करना है कि आप व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो या फिर एक डाउट सेशन रखवा सकते हो। जैसे वीक में या 10 दिन पे आपने सारे प्रॉब्लम्स डाउट्स इकट्ठा कर लिए और मुझे व्हाट्सएप कर दिया कि मैम आई नीड अ क्लास, तो एक टाइम जोन पे आपसे डिस्कस करके क्लास ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, आप अपने सारे डाउट्स उस टाइम क्लियर करा सकते हो। तो ये हो गई ऑनलाइन की बातें, तो अब सारे डिटेल्स हैं, अब आप जिस मोड पे क्लास लेना चाहो आप ले सकते हो, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है एंड दैट्स एनफ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो से मेरा कोर्स आप शुरू कर सकते हो, तो वी विल मूव ऑन आवर कोर्स।